नमस्कार दोस्तों, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल और छोटों का क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका टेक डॉक्स 21 के एक और नए एपिसोड में। आज है दिन थर्सडे का, तो आज हम अपना एपिसोड टेकी थर्सडे कंटिन्यू करेंगे, जो कि होगा सेकंड एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड फैक्ट्स को लेकर। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। तो बिना समय गवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर। आप सब क्वर्टी कीबोर्ड तो आजकल के ज़माने में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये डिज़ाइन किस लिए किया गया था? कुछ कहेंगे कि ये स्पीड एक्सपैंड करने के लिए या फिर स्पीड को बढ़ाने के लिए किया गया था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये स्पीड को रिड्यूस करने के लिए किया गया था, क्योंकि हम ABCD तो जानते हैं, लेकिन उसको जंबल्ड फॉर्म में करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो कैसा लगा आपको ये जानकर? तो बढ़ते हैं अपने अमेजिंग फैक्ट की तरफ, जो कि है एक 1.5 लाख के फ़ोन की कंपनी को लेकर, जो कि है एप्पल। क्या आप जानते हैं कि एप्पल जो है मोबाइल बनाने के लिए बना ही नहीं था? ये भी आपको कैसा लगा? आप जानते हैं कि एप्पल का जो है एक कलेक्शन स्टोर हुआ करता था, जैसे कि अभी पॉन स्टार्स का है, जिसका नाम था पॉन शॉप है, जो कि लॉस एंजलिस में अभी प्रेजेंटली है। ये अमेजिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं गूगल के रिलेटेड। हम गूगल जो है वो कितनी बार यूज करते हैं, कोई भी चीज़ हमें ढूंढनी होती है गूगल गूगल गूगल, और कोई ऑप्शन हम ढूंढते ही नहीं है। लेकिन गूगल के अलावा भी काफ़ी सारे वेब ब्राउजर्स जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हम उसका यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि गूगल ने हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि हम गूगल के अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बताऊं, गूगल के पास भी टाटा की तरह ही एक दौर आया था जब गूगल ने अपनी कंपनी जो बेचने को डिसाइड कर लिया था टाटा की तरह। तो मैं बता दूं कि गूगल को जो है वो टाइम ऐसा देखना पड़ा कि उनको अपनी कंपनी जो है वो 1999 में एक्साइड को बेचनी पड़ी, लेकिन वो बिक नहीं पाई क्योंकि जो रेट डिसाइड किया गया था वो था 750,000 US डॉलर, जिसमें से 1% जो है वो भी एक्साइट ले जाएगी। लेकिन इस सब के बाद गूगल जो है वो आज 700 बिलियन डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बिक इसलिए नहीं पाई क्योंकि जॉर्ज बेल जो एक्साइट के CEO थे, उन्होंने कहा कि गूगल का जो एल्गोरिथम है, जो वो सर्च इंजन यूज़ करता है, वो काफ़ी बेचीदा है, लेकिन रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने कह दिया था कि वो इन द प्लेक्स बुक में कह दिया था कि जो है वो इसलिए नहीं डील हो पाई क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि इसमें हम काफ़ी ज़्यादा फेरबदल कर देंगे। यानी कि समझ लो ये एक तरीके से गूगल के साथ जाती ही थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, दुनिया चाहे जलती रहे, अपना काम चलता रहे। तो अगला अमेजिंग फैक्ट, क्या आप लोग जानते हैं कि अमेजोन जो है वो उसका असली नाम अमेजोन नहीं है? कैसा लगा आपको जानकर? जेफ बेजोस ने जो है अमेजोन फाइनलाइज करने के पहले काफ़ी सारे इसके नाम रखे, जिसका पहला नाम जो है वो कैडाब्रा रखा गया। उसके बाद आर्ड, फिर अवेक, बुक मॉल, रेंटलेस, काफ़ी ज़्यादा ब्राउजर्स जो हैं वो इन्होंने यूज़ किए, काफ़ी ज़्यादा डोमेन नेम इन्होंने खरीदे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि rentless.com वो अभी भी प्रेजेंटली इसको यूज़ कर रहे हैं। amazon.com जो है वो एक रिडायरेक्ट किया हुआ इंटरफेस है। गूगल साइट्स पे अपनी साइट्स बनाते हैं और डोमेन नेम करके उसको उधर डायरेक्ट कर देते हैं, वैसा ही कुछ इन्होंने भी अभी किया है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप टबैको जो है या फिर स्मोकिंग कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के अराउंड, तो आपके प्रोडक्ट की जो वारंटी एक्सपायर हो सकती है एट दैट इंस्टेंट? ये आपको जानकर कैसा लगा? ये इसलिए किया गया है क्योंकि एप्पल ने कहा हम अपने टेक्नीशियंस और अपने यूजर्स को है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं। आप ये तो जानते ही होंगे कि विकिपीडिया क्या चीज़ है। विकिपीडिया एक ऐसी जगह है जिसमें हम अपने कोई भी सवाल का जवाब आसानी से पा सकते हैं, और ये अभी तक ट्रेंडिंग में है क्योंकि काफ़ी सारे सवालों के जवाब जो हमें विकिपीडिया पे मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको विकिपीडिया से रिलेटेड एक अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो कि है विकिपीडिया जो है वो इंसानों के द्वारा नहीं, बॉट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैसा लगा आपको जानकर? बॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फेरबदल कर सकते हैं अगर कोई नेसेसरी नीड हो किसी प्रोग्राम में, और अगर इनके किसी भी आंसर में कोई गलती हो तो बॉट्स उसको ठीक करके वहीं पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको अमेजिंग फैक्ट जानकर? क्या मैं आपको बताऊं कि कोडिंग की दुनिया से रिलेटेड भी एक अमेजिंग फैक्ट है? जानते हैं आप लोग, मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताने लगा हूं कि आप कोड प्रोग्राम्स जो हैं वो कर सकते हैं जस्ट यूजिंग वाइट स्पेसेस। बताते हैं अभी कैसे। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम भी वाइट स्पेस है। जो चीज़ इसमें यूज़ की जाती है प्रोग्राम करने के लिए वो है स्पेस, टैब्स, लाइन फीड्स, और आपको वर्ड कॉपी करना होता है गेस फाइल से और बस साइड पे डाल दो, ख़त्म कहानी। कोड ब्लॉक जो है वो खुद उसको एंटर कर लेगा स्पेस की मदद से। जब आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं या फिर विंडोज़ का बटन या CMD प्लस एंटर जो कि मैक में यूज़ होता है, ये भी काफ़ी शॉर्टकट्स जो है वो रिड्यूस कर देता है। कि दुनिया में एक ऐसा कंप्यूटर भी बनाया गया था जो पानी से चलता था, कैसा लगा आपको ये जानकर? व्लाडिमीर लुकिनोव्स वाटर इंटीग्रेटेड इसका नाम रखा गया था, और ये प्रेजेंटली अभी मॉस्को पॉलिटेक्निक म्यूजियम में प्रेजेंट है।
ये बनाया गया था 1936 में और ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर भी है दोस्तों। कैसा लगा आपको ये अमेजिंग फैक्ट जानकर? अगर आप इस कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, सॉरी। अगर मैं बात करूं दुनिया के पहले माउस को लेकर, अभी हमने बात की दुनिया के पहले कंप्यूटर को लेकर, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए आजकल माउस तो चाहिए ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया का पहला जो है कंप्यूटर माउस वो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया था 1960 में, जिसका नाम जो है वो एक्स वाई पोजिशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्लेस रखा गया था, जिसके इन्वेंटर थे डोगल्स एंगरवर्ड और बिल इंग्लिश। क्या आप जानते हैं इसका नाम एक्स वाई पोजिशन क्यों रखा गया था? क्योंकि ये एक्स वाई के ग्राफ के बीच में रोटेट करता था, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये चूहे की तरह मूव करता है तो इसका नाम माउस ही क्यों ना रख दिया जाए। तो कैसा लगा आपको ये अमेजिंग फैक्ट जानकर? आप लोग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आजकल डेली विजिट्स करते हैं अपने कई क्वेश्चंस के जवाब लेने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पहला जो वेब पेज इन्वेंट किया गया था वो आज भी मौजूद है इंटरनेट पे। क्या आप जानते हैं टिम बर्नली जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो सन में काम करते थे, उन्होंने डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब, वो कि था 1989 में। तो इन्होंने 2 साल वर्ल्ड वाइड वेब को चलाया, उसकी अपीयरेंस को चेक किया और बाद में ये जो है वर्ल्ड फेमस हो गया और आज हम इसको डेली यूज में तो देख ही रहे हैं। बस फिलहाल की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो करना भूल रहे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।